नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं पार्थ। दोस्तों हम जिंदगी में सफल कैसे होएं, कैसे सफलता हासिल करें, क्योंकि सफल तो हर कोई होना चाहता है, मगर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें सब कुछ मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत से आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। जब भी आप कोई भी काम सीखते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का काम सीख रहे हैं, हाथ का हुनर है, आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर तो हमें पैसे कम मिल रहे हैं। आगे ट्राई करेंगे, हो सकता है कि ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं करनी चाहिए, मगर कोशिश तब करनी चाहिए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे ज़्यादा पैसे वाली नौकरी ढूंढ सकता हूँ। ये ना हो, आपको कॉन्फिडेंस ना हो और आपने नौकरी छोड़ दी, तो जो पैसे आपको मिल रहे थे उससे भी आप हाथ धो बैठो। क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो मिलती नहीं है। 6 महीने तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, सालों तक। फिर जो पैसे आपने कमाए होते हैं वो आप तो बेले बैठकर खा जाते हो। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और सफलता कैसे मिलती है? सफलता ऐसे मिलती है जब आप एक जगह टिक कर काम करते हैं, चाहे कोई भी काम है, किसी दुकान में करते हैं या नौकरी करते हैं। मान लो कि आप नौकरी कर रहे थे और आपके नौकरी करते आपने 2 साल नौकरी की और छोड़ दी। आपने नौकरी करनी है, नौकरी करने के साथ आपने ये भी देखना है कि आगे जो मैं अगर नौकरी 4-5 साल और कर लेता हूँ तो मेरी सैलरी बढ़ेगी। आपको एक्सपीरियंस भी होता है, ये नहीं कि एकदम छोड़ दिया। मैंने देखा काफ़ी लोग नौकरी छोड़ देते हैं और सालों तक वो फिर घर में बैठे रहते हैं। वो सिचुएशन क्या होती है कि पीछे तो आपको 20,000 रुपया मिल रहा था और जब आपने नौकरी छोड़ने के बाद आप कहीं लगे हो तो वहाँ पर आपको 15,000 रुपया मिल रहा है। तो 5,000 रुपया तो आपका नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में आपने जहाँ पर 20,000 रुपया मिल रहा था और फिर वहाँ पर जो आपकी रिस्पेक्ट थी, वो नए ऑफिस में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि नए ऑफिस में जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप कोई भी आपको जानेगा नहीं। तो जहाँ पर आपने 3-4 साल दिए, 4-5 साल, 10 साल तब तक दो जब तक आपको लगे कि आपके ऑफिस में हर कोई कहे कि ये जो लड़का आया था इसने बहुत अच्छा काम किया। और साथ में सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हो। काम आप कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक काम कर लिया, आप ऑफिस में लगो, हाथ पैर आप चारों तरफ मारो। जो काम सीखना चाहते हो वो काम सीखो, क्योंकि हाथ के हुनर की, जिसने हाथ का हुनर होता है, जिसके हाथ में, जो अपने हाथ से काम करता है, वो आदमी कभी भी मार नहीं खाता है। अभी जो कंपनियों में काम करता है वो हमेशा मार खा जाता है, कंपनी बंद होगी वो कहाँ जाएगा। तो जो हाथ का काम करते हैं वो कभी भी मार नहीं खाते, वो कभी भूखे नहीं रहते हैं। काम जो भी हो सीखो, चाहे गाड़ी चलाना सीखो, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है गाड़ी चलाने की, पर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी काम नहीं होता तो आदमी गाड़ी भी चला लेता है तो भी 1,000-1,500 रुपये महीने पर डे का कमा लेता है। तो दोस्तों सफल होने के लिए हमेशा ज़िंदगी के अंदर एक बात गांठ में बांध लो, अगर जहाँ पर आप काम कर रहे हो टिक कर काम करो और जिस काम को कर रहे हो उसको अपनी लगन के साथ करो, उसकी तय तक जाओ, तभी आप कामयाब हो सकते हो। नहीं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फिर वो जो इंसान कहीं काम नहीं कर सकता है वो दूसरी कंपनी में भी नहीं काम कर सकता है। पहले अपने को प्रूफ करो कि जो मैं हूँ और कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने जो बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।